यू आर रीडिंग इन हिंदी, डू यू थिंक दैट आई विल अंडरस्टैंड? लिखा जाएगा उसमें इसी का अंग्रेजी सर। अगेन यू आर सबमिटिंग इन हिंदी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे थे। आई हैव रिजेक्टेड योर पिटीशन। नहीं नहीं, रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट कर रहे हैं। बेंच तो 138 फुल बेंच हिंदी के पक्ष में है। योर केस इज ऑलरेडी ओवर, आई हैव कॉल्ड द नेक्स्ट केस। नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। हाँ। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा, आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। फुल बेंच अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे मोकिल का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में, बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है। सीरियल नंबर 1 रूबी कुमारी वर्सेस डॉक्टर रितेश कुमार फॉर द पिटिशनर श्री इंद्रदेव प्रसाद। इस केस में पारित आदेश दिनांक 30/6/2022 का स्मरण करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा भारत संघ की राजभाषा हिंदी में दाखिल आवेदन का अंग्रेजी अनुवाद संलग्न करने का दायित्व वैसे व्यक्ति पर चला गया जो अंग्रेजी जानता नहीं है। वेयर इज द ऑर्डर? हुजूर 30/6/2022 ये आईए के साथ लगा हुआ भी है। 30/6/2022 फॉर लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज हेयर बाय डायरेक्टेड टू फर्निश ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ सिविल मिसलिनियस नंबर 188/2021 विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक, फेलिंग विच पिटिशन और स्टैंड डिसमिस। हुजूर प्रार्थना है कि इस आदेश को वापस लेकर अनुवाद डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस अ ट्रांसलेशन कॉपी। जी हाँ, तो वेयर इज द ट्रांसलेशन? वो दाखिल नहीं हुआ है, एक आईए फाइल हुआ है इस ऑर्डर को वापस लेने के लिए, और अनुवाद संलग्न करने का दायित्व अनुवादक विभाग पर सौंपने के लिए, और हुजूर इस तरह के एक मामले में सौंपा भी गया है। हुजूर आईए का यू वांट टू फाइल अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ ऑर्डर डेटेड ऑर्डर पास इन सिविल मिसलेनियस 188 ऑफ 2021 और नॉट? हाँ, हम दाखिल नहीं किया, लेकिन एक आईए फाइल किया है आदेश को वापस लेने के लिए और अनुवाद अनुवादक विभाग से करवाने के लिए। वेयर इज दैट फुल बेंच डिसीजन? फुल बेंच डिसीजन हुजूर, वेयर इज दैट? गिव द साइटेशन। जी, ये 2019 टेक डाउन मिस्टर वॉल्यूम 2 PLJR पेज 809 सो एंड सो, सॉरी जी, ऑर्डर डेटेड 30th June 2022 इज नॉट कंप्लाइड। उसमें एक चीज हुजूर देख लिया जाए, सब ऑन द अदर हैंड ही हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन फॉर रिकॉलिंग द ऑर्डर डेटेड 30th June 2022। Order dated 30th June 2022 reads as under. The aforesaid order is in terms of a full bench decision of this court reported in so and so. Para 84? Hujur 79 susangat. Sir, para 84 asking you to submit a translation copy. In that judgment, there is a provision for providing translated copy. वही तो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि पेटिशनर से ही लेना है, उसके लिए अनुवादक विभाग है। दिस इज ऑर्डर रिजेक्टेड। हुजूर उसमें एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर लगाए हुए हैं, उसको देखिए। टेक अप दिस मैटर। हुजूर एक डिवीजन बेंच का ऑर्डर लगाए हुए हैं पेज 13 पर, नन इसी बिंदु पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद पाया गया। सर आई एम रिलाइंग ऑन फुल बेंच डिसीजन। हाँ, तो फुल बेंच का डिसीजन देख करके ही ये ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है सर, डिवीजन बेंच का ऑर्डर है वो, तो हुजूर मानने के लिए आई एम बाउंड बाय फुल बेंच डिसीजन। फुल बेंच डिसीजन देख करके ही ऑर्डर हुआ है। हाँ, ठीक है। पेज हुजूर 13 पर है, इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। वर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट पिटिशन फाइल बाय लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज इन हिंदी इन वी ऑफ द एबव ऑफिस इज डायरेक्टेड टू गेट ट्रांसलेटेड द हिंदी पिटिशन फाइल बाय लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इनटू इंग्लिश फ्रॉम द ट्रांसलेटर। I am bound by para 84 of the full bench decision. That's full all. Bench decision पर ही सुनवाई हुई। हाँ, ठीक है सर। तो full bench decision हुजूर हम पढ़ देते हैं। Full bench decision को हुजूर ठीक से समझ लिया जाए। काहे कि एक बार मतलब आजादी के पहले से हुजूर पटना हाईकोर्ट में हिंदी में आवेदन दाखिल हो रहा है।
और बिना अंग्रेजी अनुवाद लिए हुए गुण दोष पर सुनवाई हो रही है। आज के तारीख में भी पटना हाईकोर्ट में ये गिव द बुक फुल बेंच डिसीजन जी, इसका पैरा 79 हुजूर देख लिया। पैरा 79 के द्वारा स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हुआ है। स्वर्ण सिंह बग्गा केस प्रावधानित करता है कि पटना हाईकोर्ट में हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है, और वस्तुतः इस न्यायालय के द्वारा कई मामलों में स्वीकार किया गया है। और इसका पैरा 101-102 बहुत महत्वपूर्ण है। उपरोक्त निर्वचन के पक्ष का पक्षधर होते हुए मैंने भारत के संविधान का अनुच्छेद 350 और 351 के उपबंधों और जनसाधारण विशेषकर बिहार राज्य की भाषा हिंदी होने का गहनतापूर्वक विचार किया। इस प्रकार निर्देश का उत्तर यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 27 के अधीन। यू आर रीडिंग इन हिंदी, डू यू थिंक दैट आई विल अंडरस्टैंड? व्हाई यू वांट टू रीड अननेसेसरी? वही जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग। पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा, उसमें इसी का अंग्रेजी है। सर अगेन यू आर सबमिटिंग इन हिंदी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। गुड, नॉट 84 पैरा 138 रीड साइज अंडर अकॉर्डिंगली पिटिशन स्टैंड डिसमिस। इसके बाद हुजूर पैरा 12 भी देख लिया जाए। रीड पैरा 138। हाँ तो 131 yes. वो जो है माननीय सदस्य का एक विचार है, एक सदस्य का विचार। if you are keep on arguing the matter in Hindi, I am not able to understand. With reference to para 138 of the full bench decision, you are required to furnish translated version. You are not complied my previous order, therefore I have rejected your claim. तो इसीलिए तो उसको वापस लेने के लिए हमने आईए फाइल किया। हमारा ये है वैसी उसी फुल बेंच का डिसीजन को देख करके। सर टेक अप दिस मैटर एंड टेस्ट बिफोर द एलपीए बेंच। एलपीए बेंच हुजूर हम जाएंगे जब हुजूर। नो आई हैव रिजेक्टेड योर पिटीशन। नहीं रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट कर रहे हैं। बेंच तो 138 फुल बेंच हिंदी के पक्ष में है, सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। गिव द बुक रीड पैरा 138 रीड लाउडली पैरा 138 जी ठीक। Use mic. The opinion delivered by Honorable the Chief Justice so to multiplayer to be epigrammatically and sorry with great dexterity. However, Honorable the Chief Justice has read the notification in such a manner that the proviso in the said notification has been indented, providing an ignominy for interpreting to it to mean that Hindi has not been prohibited to the exclusive of English. The gloss with has been put over the interpretation given by Brother Prasad Judge and me in that in the absence of my prohibition of the use of Hindi language in Devanagari script, especially with reference to writ petition, Hindi can be accepted and an elective language for preferring such petition, but with the caveat that along with the Hindi version, along with English translation shall also be provided. Do it. हाँ तो इसी पर तो अब देखा जाएगा ना कि एनेक्सर जो हम लगाए हैं डीबी का, ये हमसे नहीं लेना है। अगर हम ही को देना पड़ेगा तो हम हिंदी में काहे के लिए फाइल करेंगे? ठीक है तब तो हम फाइल ही नहीं करेंगे। टेक अप दिस मैटर बिफोर एलपीए। एलपीए फाइल करेंगे तो हुजूर उसमें भी तो अलग से उनको पैसा लगेगा, अलग से लैंड काउंसिल पड़ेगा वो एक डिवीजन लैंड काउंसिल पर एक डिवीजन बेंच का हुजूर हम ऑर्डर दिखा रहे हैं उसको देखने में क्या जाओ सर। व्हिच विल प्रिवेल, फुल बेंच और डिवीजन बेंच? फुल बेंच के फुल बेंच नहीं है, डिवीजन बेंच पैरा फुल बेंच के बाद का वो ऑर्डर है सर। 130 पैरा 139 हैज बीन ओवररूल्ड। पैरा 139 हैज बीन ओवररूल्ड बाय एनी ऑफ दिस कोर्ट। वो तो फुल बेंच के डिसीजन से ही वो नहीं है।
फुल बीइंग्स का डिसीजन है एट दिस स्टेज एंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर कीप ऑन हार्पिंग दैट ही नीड नॉट फर्निश इंग्लिश ट्रांसलेशन इन द लाइट ऑफ फुल बेंच डिसीजन रेड विद द डिवीजन बेंच लेटर डिसीजन टू स्टॉप ही कुड नॉट अप्राइज दिस कोर्ट वेदर पैरा 139 ऑफ द फुल बेंच डिसीजन हैज बीन ओवर रूल्ड बाय द competent forum or not. Therefore, the aforesaid contention of the petitioner is hereby rejected. एक order जो हम दिया है उसको विचार में ले लिया जाए. आईए के साथ दिया है. पेज 13 पर है. Serial number 2, संजय कुमार. पेज 13 पर है. हुजूर उसको देखा जाए. Division bench का judgment. Serial number 2. Full bench का फैसला के बाद हुजूर division bench का वो order है, जिसके द्वारा अनुवादक विभाग को कहा गया है अनुवाद करने के लिए. तो हुजूर उसको देखने में उसको देख करके हुजूर मिस्टर काउंसिल प्लीज एडवाइज हिम मिस्टर काउंसिल प्लीज एडवाइज हिम आस्क हिम टू शो इज देयर एनी सॉरी पैरा 139 हैज बीन ओवर रूल्ड बाय मोर देन द फुल बेंच डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट आस्क हिम इन हिंदी यू प्लीज आस्क हिम इन हिंदी नन वो रहने दीजिए हुजूर ये नो ही इज गोइंग टू कन्विंस यू प्लीज Give him answer. कहीं ओवररूल हुआ है वो जो है 139 जो है वो फुल बेंच के माननीय एक न्यायमूर्ति का विचार है फुल बेंच का जो आदेश है वो 79 में स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हुआ है सॉरी मिस्टर प्लीज व्हाई डोंट यू ट्राई टेस्ट माय ऑर्डर बिफोर द एलपीए बेंच योर केस इज ऑलरेडी ओवर आई हैव कॉल्ड द नेक्स्ट केस नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए अनुवादक विभाग यहाँ है आजादी के पहले से है उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है हमारे मोकिल का हिस्सा है तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है हुजूर ये पेज 13 पर है आईए का पेज 13 हार्ड लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशन ये फुल बेंच का डिसीजन के बाद का है जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए उसी तरह से कहा गया था मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए सुना गया सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है और वो मांगा गया हुजूर देखा जाएगा हर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट द पिटिशन फाइल बाय लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज इन हिंदी इन व्यू ऑफ द अबव ऑफिस इज डायरेक्टेड टू गेट ट्रांसलेटेड द हिंदी पिटिशन फाइल बाय लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इन टू इंग्लिश फॉर द ट्रांसलेटर सेक्शन ऑफ द पटना हाईकोर्ट लेट दिस मैटर इमिडिएटली आफ्टर ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द पिटिशन इज रिसीव इन द ऑफिस तो हुजूर इस ऑर्डर को देख लीजिए आई विल गिव यू डिक्टेशन प्लीज लिसन एट दिस स्टेज लर्न काउंसिल फॉर द keep on repeating that he need not require to file translated version in terms of a full bench decision in the light of a later division bench decision so and so stuff as long as para 139 of the full bench decision is not reversed by competent forum division bench decision in respect of producing a translated English version cannot be Overruled. Accordingly, it is rejected. सर एक चीज और दिखा देते हैं पैरा 12 हुजूर देख लिया जाए फुल बेंच का पैरा 12 में स्वर्ण सिंह बग्गा केस का हवाला है स्वर्ण सिंह बग्गा केस संपुष्ट हुआ है फुल बेंच से पैरा 12 हुजूर हम पढ़ देते हैं मिस्टर काउंसिल आई हैव हर्ड यू सफिशिएंटली प्लीज डोंट डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग हुजूर ये मतलब अभी अगर इसी तरह से तो हुजूर Alright, keep on arguing the matter. हुजूर पैरा 12 याची ने 1995 की एलपीए संख्या 600 पूर्वोक्त आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की जिसको भी तारीख 21 जुलाई 1995 को खारिज कर दिया गया जिस आदेश को स्वर्ण सिंह बग्गा बनाम एनएन सिंह रजिस्ट्रार वाले मामले में संसूचित किया गया और नीचे उद्धृत किया गया यह लेटर्स पेटेंट
1995 की CWJC संख्या 2825 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 9 मई 1995 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिन्होंने उपरोक्त मामले को संविधान के अनुच्छेद 348 में निर्दिष्ट करते हुए खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी की प्रार्थना यह थी कि उच्च न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाहियाँ हिंदी में होनी चाहिए, दलीलें हिंदी में दी जानी चाहिए और निर्णय भी हिंदी में दिए जाने चाहिए। संभवतः यह प्रार्थना प्रदान नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति के लिए यह कदापि वर्जित नहीं है कि वह हिंदी में आवेदन फाइल न करे और न ही किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कोई वर्जन है कि वह हिंदी में दलीलें न दे सके। और वास्तव में अनेक मामलों में इन बातों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है। और ये स्वर्ण सिंह बग्गा केस फुल बेंच से संपुष्ट हो गया, वो पैरा हुजूर 79 से स्पष्ट होता है। ऐसा कहने और संपूर्ण पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए जब यह अधिसूचना का निर्वचन किया जाता है तो मैं अधिसूचना को रद्द करने की कोई विधायी इच्छा नहीं पाता, किंतु वही आकांक्षाएं भी पूरी की जानी चाहिए और संवैधानिक निर्देश को एक दिशा दी जानी चाहिए। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना किसी खामी से ग्रस्त नहीं है। अतः विनय कुमार सिंह पूर्वोक्त मामले के निर्णय की शुद्धता को इस पूर्ण पीठ द्वारा उत्तर के लिए उचित ही निर्दिष्ट किया गया है और उस विस्तार तक हम तारीख 1 मई 2015 के निर्देश करने वाले आदेश में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त मत से सहमत पाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 27 के अधीन पेश की जाने वाली याचिकाओं और कर प्रतिनिर्देशों की बाबत अपवाद डालते हुए निकाले गए अंतर को विनय कुमार सिंह वाले मामले में दिए गए कारण के आधार पर हटाया नहीं जा सकता। अतः मैं विनय कुमार सिंह पूर्वोक्त मामले या इसी प्रकार के मामलों में दी गई तर्कना को अनुमोदित नहीं करता और उस विस्तार तक मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि स्वर्ण सिंह बग्गा वाले मामले में व्यक्त मत सही मत है। स्वर्ण सिंह बग्गा मामला है, वही कहता है कि हिंदी में आवेदन दाखिल करने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन नहीं है और न ही किसी व्यक्ति पर हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है, और वो संपुष्ट हो गया। अब इसमें अंग्रेजी अनुवाद की बात आई है तो वो अंग्रेजी अनुवाद उससे वसूलने की अनिवार्यता नहीं है जो हिंदी में आवेदन दाखिल किया है। हुजूर, जो हिंदी में आवेदन दाखिल किया उसी से अगर कोई अनुवाद भी देना पड़ेगा तब तो कोई हिंदी में दाखिल ही नहीं करेगा और संविधान का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। हुजूर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 देश की भाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कहता है और अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी को पीछे करने के लिए कहता है। फुल बेंच भी यही कहता है। डोंट गिव लेक्चर हियर। तो हुजूर, इसमें ये कह दिया गया कि भाई हिंदी में फाइल हो सकता है। अब अंग्रेजी अनुवाद की बात है तो यहाँ अनुवादक विभाग आजादी के पहले से है, इसी पर्पस के लिए। सर, डोंट गिव लेक्चर सर। व्हाट एवर द सबमिशन यू वांट टू मेक, यू रिस्ट्रिक्ट यूर विथ रेफरेंस टू योर पिटीशन। तो हमारा सबमिशन यही है कि स्वर्ण सिंह बग्गा केस पूर्ण पीठ से संपुष्ट हुआ है जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है। जहां तक अंग्रेजी अनुवाद वसूलने का सवाल है तो वह आवेदक से वसूलने की अनिवार्यता नहीं है, वह अनुवादक विभाग से भी किया जा सकता है। हुजूर, हमने इसके लिए आवेदन भी दाखिल किया है कि अनुवादक विभाग से अंग्रेजी अनुवाद मांग लिया जाए। कॉल नेक्स्ट केस।